नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। प्रोफेसर राहुल गरीबलाल गौर समाज सेवा के लिए अखिल भारतीय मानव विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई द्वारा महाराष्ट्र गौरव प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किए गए। इसके पहले वे समाज सेवा के लिए गणेश रहिकवार फिल्म एंड एंटरटेनमेंट द्वारा महाराष्ट्र आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। शहर के तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी है। वहीं गौर ने इस सत्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे पुरस्कारों से उन्हें अपने कार्य और आगे बढ़ाने में प्रेरणा मिलती है। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर को 1986 में राज्य सरकार द्वारा जमीन एवं इमारत हस्तांतरित की गई थी। तब से यह केंद्र पुरानी इमारत में कार्यरत है। पुरानी इमारत की विविध समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए नई अत्याधुनिक इमारत की आवश्यकता केंद्र प्रशासन को महसूस हुई। इस समस्या को केंद्र सरकार के साथ साझा किया गया, जिसके पश्चात नई नई इमारत के लिए मंजूरी सरकार की ओर से दी गई। इसी नई इमारत का भूमि पूजन शुक्रवार को सम्पन्न हुआ। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की नई प्रशासनिक इमारत सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। 6,17,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली यह 3 मंजिला इमारत 9 महीने में पूर्ण होने वाली है। इमारत का निर्माण कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग नागपुर द्वारा किया जाएगा। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र परिसर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसकी सुंदरता और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नए प्रशासनिक इमारत के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसका भूमि पूजन शुक्रवार को सांसद डॉ. विकास महात्मे, जिलाधिकारी आर. विमला, विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोड़े, कांचन गडकरी आदि गणमान्य व्यक्तियों के शुभास्ते सम्पन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस समारोह में ऑनलाइन शामिल हुए। पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी शिलोंग के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय हिंदी विकास सम्मेलन का आयोजन शिलोंग मेघालय में 27 मई से 29 मई तक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में नागपुर से पधारे डॉ. बालकृष्ण महाजन को उनकी कृति नदी बहती थी कहानी संग्रह को डॉ. महाराज कृष्ण जैन स्मृति सम्मान 2022 प्राप्त हुआ। इस पुरस्कार में शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र का समावेश है। डॉ. बालकृष्ण महाजन ने अभी 10 पुस्तकें प्रकाशित की है। दूसरे दिन अखिल भारतीय काव्य पाठ में अपनी व्यंग कविता सुनाकर उन्होंने श्रोताओं की वाहवाही बटोरी। अंतिम दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपने बांसुरी वादन से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया। इस विशेष उपलब्धि पर कलासागर चिराग संस्था ने डॉ. महाजन का अभिनंदन किया। केंद्र सरकार ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से दवाओं के वितरण और बिक्री में ऑनलाइन फार्मेसियों द्वारा की गई विकृतियों और घोर गड़बड़ी से पूरी तरह से अवगत है और यह मामला सरकार के समक्ष सक्रिय रूप से विचाराधीन है। सरकार ऑनलाइन फार्मेसी के व्यापार को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार जल्द ही आवश्यक कदम उठाएगी और किसी को भी कानून एवं नियमों से खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आशय के विचार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए अपने नई दिल्ली स्थित कार्यालय से व्यक्त किए। कैट के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने किया। खंडेलवाल ने कहा कि मंडाविया ने प्रतिनिधिमंडल को धैर्यपूर्वक सुना और ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों के व्यावसायिक तौर तरीकों पर चिंता व्यक्त की। इससे पहले खंडेलवाल ने मंडाविया को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि भारत में ऑनलाइन फार्मेसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 और इससे जुड़े नियमों के अंतर्गत काम करती है। इन नियमों का घोर उल्लंघन ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियां कर रही है, जिसके कारण से देश में 1 करोड़ से अधिक छोटी केमिस्ट दुकानों के व्यवसाय को काफी नुकसान हुआ है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने भी बैठक में अपने विचार व्यक्त किए। जरीपटका स्थित श्री कलगीधर सत्संग मंडल द्वारा आयोजित गुरु अर्जन देव शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में एडवोकेट माधवदास ममतानी ने उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं को बताया कि गुरुजी ने अनेक सामाजिक कार्य किए व जरूरतमंद दीन दुखियों व सभी के लिए ऐसे धार्मिक स्थल बनाए जहां लोगों को प्रभु सिमरन के साथ ही निःशुल्क भोजन व आवास की व्यवस्था भी मिली। गोइंदवाल, तरन तारण, वडाली, करतारपुर, कीरतपुर व अमृतसर आदि नगर इस बात के प्रमाण है कि गुरु अर्जन देव गरीबों व दीन दुखियों के मसीहा थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अमृतसर में प्रसिद्ध हरिमंदिर साहिब की स्थापना की, जिसे वर्तमान में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। गुरुजी ने इस मंदिर की प्रथम ईंट लाहौर के प्रसिद्ध पीर मियाँ पीर से रखवाई, जिससे सिद्ध होता है कि वे किसी व्यक्ति को उसके कर्म से परखते थे, जाति से नहीं। एडवोकेट ममतानी ने बताया कि गुरुजी ने अमृतसर नगरी बसाई व जरूरतमंदों को रोजगार हेतु दुकानें भी बनवा कर दी। एक बार वहाँ के दुकानदारों ने कहा कि महाराज, आपने हम पर बड़ी कृपा की है, लेकिन हमें पर्याप्त ग्राहक नहीं मिल पा रहे हैं। गुरुजी ने इस समस्या का भी समाधान कर श्रद्धालुओं की परेशानियों को दूर किया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के संदर्भ में अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व विजेता नहीं बनना है, उसका तो मकसद सभी को जोड़ने का होना चाहिए। भारत किसी को जीतने के लिए नहीं बल्कि सभी को जोड़ने के लिए अस्तित्व में है। नागपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए भागवत ने ये बातें कही। मोहन भागवत नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष 2022 के समापन समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, क्या हम विश्व विजेता बनना चाहते हैं? नहीं, हमारी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है। हमें किसी को जीतना नहीं है बल्कि इसके विपरीत हमें सबको जोड़ना है। संघ भी सबको जोड़ने का काम करता है। भारत किसी को जीतने के लिए नहीं बल्कि सभी को जोड़ने के लिए अस्तित्व में आया है। संघ के एक पदाधिकारी ने बुधवार को बताया था कि देशभर से किसानों, शिक्षकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों सहित 735 स्वयंसेवकों का चयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हुआ था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम था संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष। यह कार्यक्रम नागपुर के रेशिमबाग इलाके में डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर में 9 मई को शुरू हुआ था। नागपुर मंडल के 6 जिलों की 51 तहसीलों में भूजल स्तर में वृद्धि हुई है, जबकि कुल 63 तहसीलों में से 12 तहसीलों में भूजल स्तर में कमी आई है। यानी ग्रीष्म ऋतु के चरम में भी लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। भूजल सर्वेक्षण एवं विकास एजेंसी के विशेषज्ञों ने मार्च महीने के दौरान नागपुर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले में स्थित 622 अवलोकन कुओं से रीडिंग लेने के बाद इन स्थानों पर भूजल स्तर का विश्लेषण किया। काफी दिनों के अनुसंधान के बाद पत्रकारों से आंकड़े साझा किए। साकोली, नागभीड़, कोरपाना, कुरखेड़ा, आमगांव, अर्जुनी, मुरगांव, गोंदिया और सड़क अर्जुनी जैसे 17 तहसीलों में भूजल स्तर 0 से 1 मीटर नीचे चला गया है, जबकि बल्लारपुर और गोरेगांव तहसीलों में भूजल स्तर 1 से 2 मीटर नीचे चला गया है। नागपुर जिले में नागपुर, मौदा, सावनेर, उमरेट, काटोल, रामटेक, कामठी, नरखेड़, पारशिवनी, भीवापुर, कुही, हिंगना और कलमेश्वर तहसीलों के भूजल स्तर में 0 से 1 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। चंद्रपुर जिले के सावली तहसील, गोंदिया जिले के सालेकसा और तिरोड़ा तहसील में भूजल स्तर 1 से 2 मीटर तक बढ़ गया है। यह बात प्रभारी उपनिदेशक शिवाजी पद्माने ने शुक्रवार को कही। विश्व साइकिल दिन के अवसर पर महामेट्रो की ओर से साइकिलिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एयरपोर्ट साउथ मेट्रो स्टेशन से वायुसेना स्टेशन तक साइकिल यात्रा निकाली गई। महामेट्रो के कार्यकारी निदेशक उदय बोरवनकर के नेतृत्व में निकली इस साइकिल यात्रा में महामेट्रो के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। बोरवनकर ने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में साइकिल चलाने के महत्व पर प्रकाश डाला। नागपुर मेट्रो रेल परियोजना की ऑरेंज और एक्वालाइनों का संचालन हर 15 मिनट में किया जा रहा है। अब मेट्रो यात्रा के साथ साथ फीडर सेवा भी उपलब्ध है। मेट्रो के साथ साथ साइकिल जैसी पर्यावरण के अनुकूल सेवा नागरिकों के लाभ के लिए है। मेट्रो के डिब्बों में साइकिल के लिए जगह निर्धारित है। महामेट्रो ने बहुमॉडल एकीकरण के तहत व्यवस्था की है, जिसमें ई बाइक, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट, मेट्रो स्टेशनों पर फीडर बसें, हर मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों के लिए साइकिल उपलब्ध है। हर दिन मेट्रो यात्री अपनी साइकिल के साथ मेट्रो स्टेशन से आते जाते हैं। यह सभी साइकिलें ऐप के जरिए बुकिंग के लिए उपलब्ध है और नागरिक मेट्रो स्टेशन में निर्धारित शुल्क देकर आसानी से साइकिल ले जा सकते हैं। सीताबर्डी रेलवे स्टेशन के सामने फ्लाईओवर के नीचे दुकान चलाने वाले 3 दुकानदारों को शुक्रवार शाम को मनपा ने मुआवजे के तौर पर अग्रिम राशि दी। दुकानदारों को मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी ने चेक दिए। इस अवसर पर मनपा के उपायुक्त मिलिंद मेश्राम उपस्थित थे। नागपुर महानगर पालिका द्वारा 3 दुकानदारों को प्रत्येक व्यक्ति 10,87,000 रुपये के अनुसार कुल 32,61,000 रुपये के चेक वितरित किए गए। मनपा मुख्यालय में हाल ही में इस विषय पर आयोजित एक बैठक में निर्णय लिया गया था कि जो प्रभावित दुकानदार महामेट्रो द्वारा निर्मित परिसर में व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हें अनुमति दी जाएगी। अन्य दुकानदार जो मुआवजा चाहते हैं उन्हें अग्रिम राशि 8% ब्याज के साथ वापस की जाएगी। कुल 160 दुकानदारों में से 29 दुकानदारों ने अग्रिम राशि देने की मांग की। मनपा प्रशासन ने इस मांग को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें 3 दुकानदार संजय घनश्याम जैस, आशीष मोहनलाल जैस और घनश्याम नाथूलाल जैस को मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने मुआवजे के तौर पर चेक दिया। अन्य 26 दुकानदारों को भी उनकी अग्रिम राशि देने की कार्रवाई जारी है। चेक वितरण के दौरान कई मनपा अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोर्बेवैक्स टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है।
साथ ही मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। नागपुर शहर में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली बनाने की आवश्यकता के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए शुक्रवार को विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर नागपुर स्मार्ट सिटी और नागपुर महानगर पालिका द्वारा एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस साइकिल रैली में प्रशासनिक अधिकारियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दीक्षा भूमि से सुबह 7 बजे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मृति समिति के अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई, डॉक्टर सदाशिव भोले और डॉक्टर इमरान नूर मोहम्मद ने रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली का नेतृत्व जिला कलेक्टर आर विमला, मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी, स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिन्मय गोतमारे और अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने किया और इन तमाम मान्यवरों ने साइकिल चालकों का उत्साहवर्धन भी किया। रैली की शुरुआत दीक्षा भूमि से हुई। इसके बाद रैली माटे चौक, अंबाझरी झील, एलईडी कॉलेज चौक, बजाज नगर, काछीपुरा चौक, नागपुर मेट्रो कार्यालय तक गई। रैली में माइल्स एंड मिलर्स टाइगर सिटी साइकिलिंग क्लब, लाफ्टर राइडर्स एंड रनर्स, रोटरी क्लब नागपुर, प्रो हेल्थ फाउंडेशन, द साइकिलिस्ट जैसे संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर स्मार्ट सिटी के निदेशक अनिरुद्ध शेनवाई और आशीष मुकिम मुख्य रूप से उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कोयले का उत्पादन बढ़ा है, यह सही है, लेकिन मांग पूरी करने के लिए और अधिक उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। आयात कम कर निर्यात बढ़ाना भी कोयला उत्पादक कंपनियों की जिम्मेदारी है। इसके सिवा आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना नहीं हो सकती। वे नागपुर में ICSMO के अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के CMD मनोज कुमार व माइल के CMD व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि कोयला व खनिजों के उत्खनन करते समय और कार्बन उत्सर्जन न हो, पर्यावरण अच्छा रहे, प्रदूषण न हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। खनिज व कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रक्रिया व मंजूरी का कार्य तेज गति से होना चाहिए। वन विभाग की अनेक अड़चन होती है, कार्य प्रणाली को सुलभ करना चाहिए। विदर्भ में देश का 7% कोयला और 15% मैग्नीज का उत्पादन होता है। गडकरी ने कहा कि दिनों दिन बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, बिजली प्रगति की ओर ले जाने वाली है। इसकी कमी दूर करने के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। वास्तव में खनन क्षेत्र महत्वपूर्ण है, यह अनेक रोजगार देने वाले उद्योगों का विकास करने वाला क्षेत्र है। रेलवे फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ROB या RUB बनाए जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले सभी मानव रहित समपार फाटकों को बंद किया जा चुका है। वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कुल 216 मानवयुक्त समपार फाटक है, जिसे चरणबद्ध तरीके से बंद कर इनकी जगह रोड ओवर ब्रिज अथवा रोड अंडर ब्रिज बनाना है। सीनियर DCM रविश कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष कुल 20 मानवयुक्त समपार बंद करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को फाटक नंबर 450 को बंद कर सड़क पर यातायात के लिए नवनिर्मित RUB को चालू कर दिया गया। उन्होंने बताया कि रेलवे फाटकों के बंद होने से ट्रेनों की गति में वृद्धि तथा समपार पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इस बार गर्मी ने हलाकान कर रखा है। मार्च से शुरू हुआ सिलसिला अब तक सतत रूप से जारी है। नागपुर सहित विदर्भ में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। गर्मी की वजह से इस बार विदर्भ में अब तक 25 से अधिक मौतें दर्ज की गई है। फुटपाथ पर रहने वाले गरीब नागरिक उष्माघात का सर्वाधिक शिकार हुए हैं। इस बार मार्च से भीषण गर्मी शुरू हुई, जून की शुरुआत होने के बाद भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। गर्मी में उष्माघात में सबसे अधिक मौतें होती है, साथ ही बिना छत फुटपाथ पर रहने वाले लोग इसके सर्वाधिक शिकार हुए हैं। नागपुर शहर में अब तक 10 से अधिक मौतें दर्ज की गई है। हालांकि लोग दिन में इधर उधर राहत पाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रात होते ही अपने ठिकाने पर आ जाते हैं। इस बार रात के वक्त भी गर्म हवाओं ने पीछा नहीं छोड़ा है। इस बीच गुरुवार को तहसील थाना क्षेत्र में 2 लोग बेहोश अवस्था में मिले, उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस का अनुमान है कि दोनों की मौत उष्माघात से हुई होगी। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2,757 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 1,97,000 रुपये का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 55,000 रुपये का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 6 मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 7,000 रुपये का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे पर बिहार के अररिया जिले में एक शख्स अपनी साइकिल के साथ पहुंचा।
पूरी सेफ्टी गियर पहने इस शख्स को देख हर कोई कहने लगा कि यह महाशय कोई बड़ा साइकिलिस्ट ही हो सकता है। तब नागपुर के दिलीप भगत ने पत्रकारों से बात करते हुए अपना पूरा परिचय दिया। दिलीप ने बताया कि वे साइकिल से 15,000 किलोमीटर यात्रा कर शुक्रवार को अररिया पहुंचे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए साइकिल यात्रा पर निकले हैं। अररिया से वे आगे असम के लिए रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि साइकिल यात्रा पर वे 26 जनवरी 2022 से निकले थे और शुक्रवार को अररिया पहुंचे हैं। 28 फरवरी को उनकी मां का देहांत हो गया था, फिर भी उन्होंने अपनी साइकिल यात्रा जारी रखी। उन्हें 45,711 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ना है। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए राज्य सरकार कमर कस रही है। राज्य ने घोषणा की थी कि वह इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक नया फार्मूला लागू करेगी। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए नई नीति बनाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स में 10वीं के बाद तकनीकी डिप्लोमा कोर्स करने वाले छात्रों के प्रवेश के लिए नीति तैयार की जाएगी। इस समिति के अध्यक्ष तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक होंगे, जबकि सदस्य सचिव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय BATU के रजिस्ट्रार होंगे। समिति में अन्य 5 सदस्यों का चयन किया जाएगा। समिति 10वीं कक्षा के बाद तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीति की समीक्षा करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो एक संशोधित नीति की सिफारिश करेगी। कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता सप्ताह के उद्घाटन के अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के परिसर में मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे की अध्यक्षता में संरक्षा विभाग द्वारा एक लघु नाटिका जरा ठहरो के माध्यम से समपार फाटक पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के बारे में जानकारी दी गई। मंडल रेल प्रबंधक द्वारा सभी को समपार फाटक जागरूकता दिवस मनाए जाने की विस्तृत जानकारी दी गई। मंडल रेल प्रबंधक ने अपने संबोधन में जानकारी दी कि नागपुर मंडल पर स्थित 167 गेटों पर पिछले 3 वर्षों में एक भी दुर्घटना नहीं हुई है, जो हम सबके लिए एक सुखद उपलब्धि है। कार्यक्रम के अंत में संरक्षा विभाग के नेतृत्व में मंडल कार्यालय परिसर में एक जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे मंडल रेल प्रबंधक द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक PS खैरकर और सभी विभागों के विभाग प्रमुख के अलावा करीब 300 पर्यवेक्षक और कर्मचारीगण मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता सप्ताह 3 से 9 जून 2022 तक पूरे मंडल पर मनाया जाएगा। इस दौरान संरक्षा विभाग की टीम सभी समपार फाटक, ग्राम पंचायत आदि में जाकर उपयोगकर्ताओं से आह्वान करेंगी कि अपने वाहन को सदैव बैरियर के पहले खड़ा करें। पेंच और कनन नदी से पर्याप्त पानी मिलने पर भी गत 10 वर्षों से सारे शहर में जल समस्या बनी हुई है। पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नागपुर महानगर पालिका की है। मनपा ने पानी उपलब्ध कराया है, किंतु वितरण की जिम्मेदारी OCW नहीं निभा रही है। तुम्हारा कार्य संतोषजनक नहीं है, अधिकारी गंभीरता से कार्य नहीं करते हैं, समय पर कार्य पूरे नहीं होते, इससे हम बदनाम होते हैं। ऐसे कड़े शब्दों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने OCW की कार्यपद्धति पर तीव्र नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने शुक्रवार को OCW के जल वितरण प्रणाली के संबंध में अपने निवास स्थान पर समीक्षा बैठक बुलाई। इसी बैठक में वे बोल रहे थे। बैठक में विधायक प्रवीण दटके, कृष्णा खोपड़े, मनपायुक्त राधाकृष्णन भी OCW के अधिकारीगण उपस्थित थे। गडकरी ने कहा कि कई स्थानों पर वितरण के लिए अभी तक पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है, जबकि समझौते के तहत कंपनी को पाइपलाइन बिछाने की आवश्यकता है, किंतु इस विषय को ध्यान में नहीं रखा जाता है। पिछले 10 वर्षों से 24/7 योजना केवल इस कंपनी के कारण सफल नहीं हो पाई है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। 10,000 से अधिक महिला नव उद्योजकों से भरे मानकापुर स्टेडियम और नव उद्योजक महिला गट सदस्यों का राष्ट्रीय स्तर पर अतिथियों से प्रेरणादायी मार्गदर्शन के कारण प्रशासन की ओर से आयोजित विभागीय सरस मेला तथा जिला महिला मेला अभूतपूर्व साबित हुआ। आगामी 2 दिनों तक यहां पर बचत गटों के स्टॉल रहेंगे, साथ ही यहाँ विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। शहरवासियों से यहाँ पर बड़ी संख्या में खरीदी करने के लिए पहुँचने का आह्वान प्रशासन ने किया है। शुक्रवार को महिला मेले के शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता जिला परिषद की अध्यक्षा रश्मि बर्वे ने की। इस अवसर पर विधायक एडवोकेट आशीष जायसवाल, विधायक टेकचंद सावरकर,
कृषि विकास ट्रस्ट की विश्वस्त सुनंदा पवार, विभागीय आयुक्त माधवी खोड़े चौरे, जिलाधिकारी आर विमला, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, उपाध्यक्षा सुमित्रा मनोहर कुंभारे, सभापति तापेश्वर पुंडलिक वैद्य, सभापति उज्ज्वला बापू बोढ़ारे, सभापति नेमावली उद्धल माटे, सभापति भारती पाटिल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमल किशोर फुटाने के अलावा जिला परिषद के सभी सदस्य, पंचायत समितियों के सभापति, विविध समितियों के सदस्यगण उपस्थित थे। इसके अलावा कुटुंबश्री की प्रमुख अनिमा केरकटा, उनकी सहयोगी बीना महेसन, झांसी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश मलपल्लीवार, दिल्ली के हर्षल चड्डा, गणेश शिंदे आदि मार्गदर्शक भी उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।